हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ। आप लोगों का कल मैं हिस्ट्री में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों का हिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न 1 to 5 कल लिखाया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में। आज मैं लिखाने जा रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न का 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न का सीरियल नंबर 6 है। तो 6 में प्रश्न है कि स्वराज दल एक पार्टी है, ठीक है। तो स्वराज दल का गठन क्यों हुआ, स्वराज दल पार्टी का गठन क्यों हुआ, ये भी लिखते हैं। इसकी क्या उपलब्धियां थी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। हिस्ट्री हिस्ट्री लेसन 4, लघु छ से, ठीक है। छ से हो जाएगा, क्या ठीक। ओह यस, ओके, नोट कीजिएगा। तो ये हो गया ना, अब प्रश्न नोट कर लिए, आंसर लिखिए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कांग्रेस से असहमत होकर 1922 ईस्वी में, यानी कांग्रेस से असहमत होकर 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, यानी स्वराज दल पार्टी की स्थापना की। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करना उनकी नीति थी। नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना। पुनः प्रश्न 6 हो गया। प्रश्न 7, दिल्ली पैक्ट के विषय में आप क्या जानते हैं। नोट कीजिए। चलिए आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने दमन चक्र के अतिरिक्त कूटनीतिक चाल भी चली। पूर्णविराम, उसने संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाने की घोषणा की। पूर्णविराम, लेकिन प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, अतः यह सफल हो गया। पूर्णविराम, सरकार जानती थी कि कांग्रेस के बिना सफल नहीं हो सकता, यानी सरकार जानती थी कि कांग्रेस के बिना सम्मेलन सफल नहीं हो सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अतः सरकार ने
गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। अतः गांधी जी को सरकार ने गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। पूर्णविराम वायसराय इरविन, वायसराय इरविन, जैसे कि वायसराय ऐसे हो जाएगा वाय सराय इरविन, वायसराय इरविन तथा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रणाम प्रश्न 8, ये अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय का, इसके साथ चैप्टर 4 समाप्त हो जाएगा आपका हिस्ट्री का। समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ, प्रश्न 8, समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ। आंसर लिखिएगा, भारत में समाजवादी विचारधारा का उदय और विकास 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से हुआ। पूर्णविराम समाजवादी किसान और मजदूरों की स्थिति में सुधार लाना चाहते थे, यानी समाजवादी किसान और मजदूरों की स्थिति में, यानी समाजवादी किसान और मजदूरों की स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। पूर्णविराम विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, यानी ब्रैकेट में दीजिएगा 1929 से 30, ब्रैकेट में दीजिएगा 1929 से 30, ठीक है, का सबसे बुरा प्रभाव श्रमिकों और किसानों पर ही पड़ा था। पूर्णविराम अतः इन लोगों के ऊपर समाजवादियों ने अपना ध्यान केंद्रित किया। पूर्णविराम कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा के साथ साथ समाजवादी विचारधारा भी पनपने लगे। पूर्णविराम नेहरू सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया सरीखे नेता समाजवादी कार्यक्रम अपनाने की मांग करने लगे। पूर्णविराम इनके प्रयासों से 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। पूर्णविराम इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया, तो इसी के साथ आपका ये प्रश्न लघु उत्तरीय का समाप्त हो गया, हिस्ट्री लेसन 4 भी समाप्त हो गया। आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन होगा, और मतलब ऑप्शन जितने भी है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब जितने भी है सब आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, जैसे ही लॉकडाउन हटता है तो मैं सुनना स्टार्ट करूँगा, और ये नहीं कि पढ़ाऊँगा, मैं सुनूंगा, आप लोग इसको याद भी करते रहिएगा। ओके, इसी के साथ हिस्ट्री आपका लेसन 4 कंप्लीटेड। ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।